प्यार, इश्क और मोहब्बत, इन सभी के साथ था सिद्धार्थ शुक्ला का गहरा कनेक्शन। और ऐसे में इसी कनेक्शन के चलते कई सारे कनेक्शंस के साथ जुड़ा था सिद्धार्थ शुक्ला का नाम। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ शुक्ला की अफेयर स्टोरी को लेकर। जी हाँ, उनकी जिंदगी में कितने प्यार भरे नाम और एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए, इन पर भी आप सबके सामने खुलासा करेंगे। आप सबको बताएंगे वो सच जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आप सभी को बताने वाले हैं सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सिर्फ शहनाज गिल, रश्मि देसाई या फिर आरती सिंह के साथ नहीं जुड़ा था, बल्कि जुड़ा था एक्ट्रेस दृष्टि धामी के साथ भी। ऐसे में आज हम दृष्टि धामी और सिद्धार्थ शुक्ला पर करने वाले हैं खुलासा। वो खुलासा जिनके बारे में कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं जानते। और ऐसे में दृष्टि धामी से जुड़ा वो सच भी आपको बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद दृष्टि धामी ने क्या किया। देखिए ये रिपोर्ट। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला एक वो एक्टर है जिन्हें पहचान की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला ने यूं तो कई सारे बड़े सीरियल्स में काम किया, लेकिन आज सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद उन फैंस के दिल टूट चुके हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला के बेहद नजदीक थे। टीवी के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर को निधन हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला को देर रात हार्ट अटैक आया और सुबह के वक्त उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, जिसके बाद सुबह 9:25 पर सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिद्धार्थ शुक्ला ने शो बालिका वधू से घर घर में अपनी पहचान बनाई थी और इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को पीक मिला था बिग बॉस 13 के शो को जीतने के बाद, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला अपने करियर की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसे में आज हम करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला और दृष्टि धामी को लेकर बड़ा खुलासा। जी हाँ, यूं तो एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, जिसमें पहला नाम शुमार है आकांक्षा पुरी का। जी हाँ, एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी का नाम भी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जुड़ा था। और इसके साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जुड़ा था एक्ट्रेस रश्मि देसाई का नाम। शो दिल से दिल तक के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी और उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की नजदीकियां बढ़ने लगी थी उनकी दूसरी को एक्ट्रेस जैस्मिन नसीम के साथ। सिद्धार्थ के और शहनाज के इस प्यार को देखते हुए मिसाल दी जा रही है कि ये है सच्चा प्यार, कि सिद्धार्थ ने अगर दुनिया को अलविदा भी कहा तो अपने प्यार शहनाज गिल की बाहों में। ऐसे में आज हम करेंगे बात दृष्टि धामी को लेकर। दरअसल शो झलक दिखला जा के दौरान दृष्टि धामी और सिद्धार्थ शुक्ला के अफेयर की काफी चर्चा हुई थी। कहा तो जाता था कि ये जोड़ी अकेले रहने के लिए हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी, लेकिन जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो दृष्टि धामी ने सिद्धार्थ को छोड़ते ही अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लिया और जिंदगी में ले आई नीरज खेमका को। जी हाँ, दृष्टि धामी ने सिद्धार्थ शुक्ला को छोड़ते ही एक्टर नीरज खेमका के साथ शादी कर ली थी। अब दृष्टि धामी अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश है। लेकिन आपको बता दें कि जहां आरती सिंह, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी, शहनाज गिल सभी ने सोशल मीडिया या फिर सामने आकर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद सभी ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक व्यक्त किया, तो वहीं अब खबर आ रही है दृष्टि धामी को लेकर। जी हाँ, दृष्टि धामी भी सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी का हिस्सा रह चुकी है और सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद भी दृष्टि धामी ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर उनके निधन पर ना तो कोई पोस्ट किया और ना ही कोई रिएक्शन दिया। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दृष्टि धामी ने कोई भी पोस्ट नहीं किया और ऐसे में दृष्टि धामी लगातार अपनी अपकमिंग फिल्म की प्रमोशन में व्यस्त चल रही है। जी हाँ, दृष्टि धामी लगातार अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपकमिंग वेब सीरीज द एम्पायर की प्रमोशन कर रही है, जिसमें
नजर आ रही है वो जीनो मोरियो के साथ। बता दें कि दृष्टि धामी लगातार अपनी अपकमिंग वेब सीरीज की प्रमोशन के लिए लगातार अपने सोशल इंस्टा अकाउंट पर कई सारी पोस्ट डाल रही है, लेकिन दृष्टि धामी ने एक भी पोस्ट सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर नहीं की और ना ही सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कोई भी बात कही। ऐसे में सभी शॉक्ड है कि रश्मि देसाई जो सिद्धार्थ शुक्ला को दुश्मन मानती थी उसने तक सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। यहाँ तक कि वो दौड़ती हुई सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर पहुंची भी थी, लेकिन यहाँ पर दृष्टि धामी ही एक ऐसे एक्ट्रेस है जो ना तो सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार पर पहुंची थी और ना ही सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर कोई पोस्ट किया था। तो ये है पूरी खबर दृष्टि धामी को लेकर। नेक्स्ट टाइम लाइव से रजनी की रिपोर्ट।